न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ क्राइम समीक्षा, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ कोरोना महामारी से निपटने के निर्देश। बेलीपार पुलिस ने शातिर बदमाश आरफीन उर्फ शहनवाज को किया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस किया बरामद। एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शातिर बदमाश के ऊपर दर्ज है दर्जनों आपराधिक मुकदमे। जिले में मिले कोरोना के दो और पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 165, जबकि 103 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 8 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि एक्टिव केस है 54। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। सीएमओ ने कहा, रक्तदान है महादान। रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन महिला हॉस्टल और अन्य निर्माण कार्यों का एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा कराने के दिए निर्देश। ट्रक की ठोकर से क्षतिग्रस्त हुए फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा के स्ट्रक्चर का कार्य शुरू, जल्द ही भव्य रूप में दिखेगा फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर रविवार को लाइफ लाइन ब्लड बैंक की तरफ से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। साहबगंज मंडी में आने वाले दुकानदारों, मजदूरों एवं कामगारों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए किराना कमेटी के नेतृत्व में नगर निगम ने लगवाया पैडल हैंड वॉश, इन हाथ धुलने वालों को किया गया निःशुल्क मास्क का वितरण। और आम नागरिक की तरह अब आम के फलों को भी पहनाया गया मास्क, जिससे फलों में ना हो फैले संक्रमण।